एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ सिंपली साहिल। और मेरा नाम है साहिल महाजन। तो गाइज, लॉकडाउन के बाद यार सबकी लाइफ चेंज हो गई, हालांकि मेरी भी चेंज हो गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी भी यार चेंज हो गई होगी। अब मेरी ये ऐसे चेंज हुई है कि यार अब मुझे संडे के संडे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में एक चीज़ बनानी होती है अपनी फैमिली के लिए। और मतलब समझ रहे हो, मतलब ये मतलब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं सख्त लौंडा हूँ। तो आज एक्चुअली अब 4:30 हो चुके थे और अनफॉर्चुनेटली मेरा प्लान था लंच बनाने का, तो वो किसी कारणवश हम नहीं बना पाए। तो अब हम इवनिंग स्नैक्स की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ पर। और गाइज, आज मैं आपको भी बताऊँगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो होपफुली फिंगर क्रॉस्ड कि यार अच्छा बने। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। मैंने एक्चुअली सारी कटिंग सबसे पहले कर ली है, अब क्या क्या कटिंग करनी थी, अब लेट्स सी और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, और मैं आज बना रहा हूँ इंडियन बर्गर। आहा, लॉकडाउन के बाद यार आपके मुंह में भी अगर पानी आ रहा है तो भाई आपको ये रेसिपी मैं बताने वाला हूँ। चलो अब सबसे पहले देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले बर्गर बनाने के लिए आपके पास होने चाहिए बन, तो मैं यहाँ पे ब्रिटानिया के यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ करो। दूसरी चीज़, आलू टिक्की के लिए आपको चाहिए आलू, मिर्ची, धनिया, अनियन, नींबू, ये क्या है, एक गरम मसाला है और एक धनिया है। अब मुझे पता नहीं है इसमें कैसे डिफरेंशिएट करूँ, बट समझ लो कि ये धनिया है और ये गरम मसाला है। ये गाइस हमने डोमिनोज से जो चिल्ली होती है उसके पैकेट फाड़ फाड़ के हमने जो मिर्ची है वो बनाई है, और नमक शमक, और ये थोड़ी सी सूजी है, और सूजी अगर आपकी भी सूजी है तो भाई आप बैठा ना करो। और उसके बाद गाइस आपको चाहिए ये क्या है, ये मैदा, और उसके बाद ये लेटस, टमाटो, अनियन, और ये क्या है, खीरा। अब गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किचन में अगर आप कुछ भी पहले कुकिंग कर रहे हो तो आप पहले अपने हाथ धोइए। मैं अपने ऑलरेडी हाथ धो चुका हूँ, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब आप आलू को मैश कर रहे हो और तो समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने हाथ साफ़ करने हैं, और उसके बाद आपको चाहिए आलू, वो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे। अब मैं अपना कैमरा जो है अब यहाँ पर सेट करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए आलू। अब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 2 टिक्कियाँ बनाऊँ। और उसके बाद आप इसमें डालिए धनिया हमने डाल दिया, उसके बाद मिर्ची। भाई अब मिर्ची भी वही डिपेंड करता है कि अगर आप हजम कर सकते हो तो आप खाओ, नहीं कर सकते तो मत डालो, मतलब ये ऑप्शनल है, मतलब समझ लो ना आप, ये ऑप्शनल है ये चीज़। उसके बाद हम डालेंगे अनियन, अरे वाह क्या टेस्ट आ रहा है, वाह। तो गाइस हमने अनियन डाल दिया है, और इसके बाद नींबू। अब यार ये यूनिक चीज़ है, ठीक है, अब ये डालना बहुत ज़रूरी है और इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। नींबू डाल दिया हमने। तो ये करने के बाद गाइस हम यहाँ पे डालेंगे नमक, और नमक होना चाहिए बिल्कुल आपके स्वाद के अनुसार। तो स्वाद के अनुसार, अब गाइस हम हैं मिडिल क्लास लोग, हमारे पास चम्मच सिर्फ एक ही है, और शीशियाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा और ऐसे चम्मच मिलते नहीं हैं, तो हम एक ही चम्मच यूज़ करते हैं नमक के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। जैसे मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं मेरी तरह वही समझ पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो भाई ये धनिया डाल दिया हमने, अब डालेंगे हम थोड़ा सा, अभी से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो अब हम डालेंगे गरम मसाला, और अब हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची अगेन, ये भाई लाल मिर्ची है देख लो सूखी, ये डालेंगे। हाँ, वाह। और चम्मच गाइस आपने जहाँ से निकाला है फिर से वहीं डाल दें, क्योंकि नमक से ही सबसे पहले शुरुआत होती है, और फिर से आप कर दें। तो ये सब डालने के बाद गाइज आपको लेनी है अब सूजी, और सूजी को आपने ऐसे डालना है, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं डालेंगे तो आपकी टिक्की भाई टेस्टी नहीं बनेगी। तो थोड़ी सी सूजी, मतलब आप क्वांटिटी के हिसाब से भाई आप देख सकते हो, अब मैं तो 2 टिक्कियाँ बना रहा हूँ तो उसी के हिसाब से, मतलब इतना यार मैं मास्टर शेफ हूँ कि मैं डाल सकूँ। अब चलो सूजी डालनी,
और यार ये चीज़ अगेन ऑप्शनल है आपके पास, ये है, ये क्या है यार, ये मैदा, नहीं मैदा नहीं है, ये कॉर्नफ्लोर है, मतलब इस पर आपकी ना टिक्कियाँ थोड़ी सी ना क्रिस्पी बनती हैं, तो थोड़ा सा डालेंगे, सिर्फ एक चम्मच। चलो अब गाइस इतना सब कुछ करने के बाद कुछ इस तरह से आपका मिक्सचर बन जाएगा। अब ये मिक्सचर बन चुका है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, मतलब मैंने कई बार लोगों को देखा है। तो गाइस इसके लिए हम मैशर यूज़ करेंगे, और अगर आप अपने हाथ यूज़ कर रहे हो मैश करने के लिए तो भाई उसे पहले ज़रूर धोएं। तो चलो सबसे पहले आप मैश करें, एक तरह से ना इसका आटा बनना चाहिए, आटा जिसको कहते हैं ना, मतलब तो भाई यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने चार टिक्कियाँ यहाँ पे बना दी हैं और उनकी कॉर्नफ्लोर से कोटिंग कर दी है, क्योंकि एक्चुअली जब आप अनियन यूज़ करते हो ना तो मतलब काफ़ी डर होता है कि आपकी टिक्की टूट सकती है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अगर आप इसे एक बार कॉर्नफ्लोर से कोटिंग कर दोगे तो आपकी टिक्की टूटेगी नहीं। और मैंने इनको रेस्टिंग पर रख दिया है, इनको थोड़ा सा आराम करवाता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तो गाइज़ अब आपके पास जब ये सेट हो जाए उसके बाद गाइज़ आपको बस एक पैन में, या तो आप इसे शैलो फ्राई करो या आप इसे फ्राई करो, वो कम्प्लीटली अब आपका कॉल है। तो अब हम करते हैं अब इन्हें शैलो फ्राई, मैं शैलो फ्राई करूँगा। अब देखते हैं गाइज़ अब क्या टेस्ट बनता है इनका। अब गाइज़ हम इसमें डालेंगे अपनी टिक्की हैं, तो ये देख सकते हो एक टिक्की। ये हमारी हो चुकी हैं स्टार्ट, और यार ये देखो, ओ माय गॉड, भाई साहब लौटा मैं सकता हूँ, और देख रहा हूँ अब शेफ़ भी हूँ, मतलब मैं अपने आप को मास्टर शेफ़ से कम नहीं समझता। और गाइस अब टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब हमें बनाने हैं बर्गर, तो जिसके लिए हमें चाहिए बन। बन हमने ले लिए हैं और अब हमारा काम क्या है कि अब हमने बंस को बीच में से काट देना, आप देख सकते हो। आह वाह, कुछ इस तरह से आपके पास बन आएगा, ये एक, ओह वाह, अब गाइज आपको एक ना पैन चाहिए और पैन में आपको डालना है बटर, मक्खन, और ये डालते हुए आप हनी सिंह को भी याद कर सकते हैं क्योंकि उसका भी गाना है मक्खना मक्खना। भाई ज़्यादा मक्खन नहीं चाहिए, मतलब अगर कोई सोच रहे हैं कि यार तुम मक्खन भी डाल रहे हो घी भी डाल रहे हो, मतलब क्या होगा भाई, जब चीट कर ही लिया है तब फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इतना खाओ या इतना खाओ, अभी ये चीट डे है। अब जैसे गाइज आपका मक्खन पिघलेगा आपको सेकनी है ये चीज़ें, ठीक है। ओह वाह, अगर आपको लग रहा है कि यार आपने मक्खन कम डाला है तो और ज़्यादा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आज चीट डे है समझो, संडे वैसे ही चीट डे होता है हमारा। वाह, नहीं नहीं अभी और होगा, और थोड़ा सा मक्खन हमें और चाहिए, निकल भाई। अब गाइस बर्गर जो है हमने यहाँ पे लिटा दिए हैं, अब उन पे सॉस डाल दी है, अब बस आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे इन्हें घुमाना है। ओह वाह, ये गाइस हमारे पास आ गया लेटस, लेटस डालेंगे अब इसके बाद आपको, देखो ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ज़्यादा डालने से ना फिर आपको फीलिंग नहीं आएगी। देखो दो खीरे रखने हैं आपने, फिर से आपने दो दो खीरे रखने हैं, ठीक है जी। अब रखने हैं आपने टमाटर, यहाँ पर भी दो रखो बस, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है ना। मतलब अगर आपको लगता है तो आप तीन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद गाइज आपको रखना है अनियन, मतलब अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काटना चाहते हो, मतलब गोले वाला लच्छे वाला, तो भाई डिपेंड करता है वो। अब इतना करने के बाद गाइज आप ना एक बार इसे नाप लो, मतलब नपने से क्या होगा कि मतलब आपका जो सामान है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। वाह वाह वाह, अब ये सब करने के बाद अब आपको लेनी है अपनी टिक्की और टिक्की लगा देनी है जी। वाह वाह जी वाह, देख रहे हो गाइस कितनी करारी है टिक्की, वाह। यहाँ तक हो जाए, अब आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं। अब दो ऑप्शन ये है कि अगर आप अपना बर्गर बनाना चाहते हो महाराजा बर्गर, तो भाई फिर आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप आलू टिक्की बनाना चाहते हो तो आप सिंपली इसे बंद कर दो
और खाओ, टेस्ट आ जाएगा। बट अगर आपको महाराजा बनाना है तो भाई फिर आपको महाराजा वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप दो पनीर का पीस लो, एक इस पर डालो, एक इस पर डालो। हाँ ठीक है जी। अब अगर आप चाहते हो कि भाई महाराजा से भी एक नंबर ऊपर चाहिए, भाई फिर आप एक काम करो, फिर आपके पास होना चाहिए एलापिनोस। अब एलापिनोस निकालो वन, अगर आप चाहो तो आप इसको काट सकते हो, तो मैं काट लेता हूँ, मतलब इतना बड़ा। वन टू, वाह जी वाह, ओके जी, वन टू, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यार है काफ़ी, बट बर्गर में जितना मतलब कम सामान रहेगा उतना ही आपको खाने में आसानी होगी। गिर गया, इसे साइड कर दो। मतलब अगर आप कोई चीज़ आपकी गिर जाती है ना, तो मतलब आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, पर धो के करना है, ठीक है आपने। चलो जी, ये देखो वन, और अच्छा ये यहीं पे डीगा था, तो हम ये इसको फिर से लगा लेंगे। अब गाइस लग रहा है ना आपको महाराजा बर्गर की तरह, मतलब देख रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। अब महाराजा बर्गर, और कैमरामैन जरा थोड़ा सैड हो गया, तुमने हमारा महाराजा बर्गर डिगा दिया, तुमने सूट दिया है इसको। अब गाइस इतना करने के बाद अब आपको ऊपर वाला देना है और ये आपको लगा देना है। भाई प्यार से लगाओ बिल्कुल। ये आपका वन, ये आपका भाई टू, और ये भाई आपका बर्गर तैयार। इतना सब करने के बाद गाइस अब प्रेजेंटेशन का टाइम आ चुका है। अब प्रेजेंटेशन में आप एक अच्छी सी प्लेट लें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर में तब निकलती हो कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हो, तो कोई अच्छी सी प्लेट लें, उसमें दो बर्गर लगाएं, वन टू। अब यार अब प्लेटिंग आपकी क्रिएटिविटी है। अब गाइज इतनी मेहनत करने के बाद यार कुछ इस तरह के बर्गर्स आपके बन जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यार ये काफ़ी टेस्टी बने होंगे। सो गाइज मैं फिर मिलूँगा आपसे इसी तरह किसी और वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, और यार कमेंट करके बताओ कि आपको ये मेरी पहली कुकिंग वीडियो कैसी लगी। साहिल महाजन साइनिंग ऑफ़।